अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी राम मंदिर के मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने साफ किया है कि यूपी में विधानसभा चुनाव की वजह से बीजेपी को मंदिर मुद्दे की याद नहीं आई है, बल्कि ये हमेशा से उसके एजेंडे में रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अयोध्या में मंदिर बनकर रहेगा, बीजेपी इससे खुद को अलग नहीं कर सकती। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सिर्फ विकास के चेहरे चुनाव नहीं जीता जा सकता है। ये राम मंदिर याद आने की सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये 2014 में हमने मैनिफेस्टो में सारे विचार करने के बाद सब मिल करके इस घोषणा पत्र की ऐलान किया था। अब कई लोग आगे भी उसके बाद और ये कहने लगे कि सिर्फ विकास से ही हम जीत सकते हैं और राम मंदिर एक चेक है जिसका एक बार कैश होने के बाद दोबारा कैश नहीं होगी। सुब्रमण्यम स्वामी के इस बयान पर बाबरी मस्जिद के पक्षकार हाजी महबूब ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को बेवकूफी भरा बताया है। जो है बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अभी तक हम लोगों को नोटिस तक भी नहीं इशू हुई है। दूसरी चीज, जो पेपर्स हाईकोर्ट से गए हैं उसका हिंदी अनुवाद था, उसको अभी ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं हुआ। जब पूरे कंप्लीट पेपर कंप्लीट नहीं है तो ऐसे एक महीने में केस विथड्रॉ हो जाएगा, केस की सुनवाई होगी और कैसे ही फाइनल हो जाएगा। समाजवादी पार्टी में इधर एक के बाद एक लगातार हो रहे घटनाक्रम को देखते हुए एसपी अध्यक्ष मुलायम सिंह ने 24 अक्टूबर को लखनऊ में पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में मौजूदा सांसद, विधायकों और एमएलसी के अलावा सभी पूर्व सांसद और विधायकों को भी बुलाया गया है। साथ ही पार्टी के सभी पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में एसपी मुखिया समाजवादी पार्टी की कलह को खत्म करने पर मंथन करेंगे। इससे पहले समाजवादी पार्टी की उठापटक के बीच बड़ी खबर सामने आई। ये बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव 5 नवंबर के बाद एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। रामगोपाल यादव ने मंगलवार को इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो अगर पार्टी अखिलेश यादव के मुताबिक नहीं चली तो हर विकल्प खुला हुआ है। एसपी एमएलसी उदयवीर सिंह ने भी मुलायम सिंह यादव को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग की है। इसके साथ ही पार्टी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उदयवीर ने लिखा है कि कुछ लोग अखिलेश से निजी ईर्ष्या रखते हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ घर में ही साजिश हो रही है। एमएलसी उदयवीर ने चिट्ठी में ये लिखा है कि एसपी में आपसी लड़ाई का बाहरी लोग फायदा उठा सकते हैं, सभी निष्कासन निरस्त करने और अखिलेश को पार्टी की पूरी ताकत देने की मांग की। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह पर एक और लिटर बम सामने आया है। जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट ने मुलायम सिंह यादव को चिट्ठी लिखी है जिसमें युवा नेताओं के निष्कासन पर नाराजगी जताई गई है। ट्रस्ट ने चिट्ठी के माध्यम से सवाल उठाए हैं जिसमें यह कहा गया है कि अखिलेश यादव के समर्थन में नारा लगाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन शिवपाल यादव के समर्थन में नारा लगाने वाले नेताओं और रामगोपाल यादव के खिलाफ नारा लगाए जाने वाले नेताओं पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है। 12 सितंबर से लेकर पूरे घटनाक्रम का विस्तार से विवरण के साथ मुलायम सिंह यादव को ये चिट्ठी लिखी गई है। आज लखनऊ में सीएम अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड बांटने की शुरुआत की। पहले चरण में लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 100 परिवारों को राशन कार्ड और राशन किट दिया है। सीएम के आवास पर हुए कार्यक्रम में लोगों को राशन कार्ड और राशन किट दिए गए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राशन कार्ड से गरीबों को मदद मिलेगी। खास बात यह है कि इस राशन कार्ड और राशन किट पर सीएम अखिलेश यादव की फोटो छपी हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये राशन कार्ड दिए जाएंगे, यानी चुनाव से पहले इस राशन कार्ड के जरिए सीएम अखिलेश यादव यूपी के 3 करोड़ लोगों तक अपना संदेश पहुंचाएंगे। हमें बहुत जल्दी महीना डेढ़ महीने में मैं समझता हूँ करोड़ों राशन कार्ड बांटने, कितने कार्ड बढ़ने, टोटल 3,32,00,000 ये बटने हैं दोनों कार्ड। तो मैं समझता हूँ विभाग और मंत्री कमाल अख्तर जी और जितने भी सरकार के लोग हैं मिलकर के इस कार्ड को बांटने में सहयोग करेंगे, जिससे जल्दी से जल्दी पूरे उत्तर प्रदेश में ये बट जाए।
यूपी के सीएम अखिलेश यादव इधर 3 नवंबर से विकास यात्रा निकालने वाले हैं। समाजवादी विकास यात्रा लेकर सीएम अखिलेश यादव अकेले ही रवाना होंगे। सीएम अखिलेश यादव ने चिट्ठी लिखकर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को इसकी जानकारी दी है। अटकलें हैं कि विकास यात्रा पर रवाना होने के बाद सीएम 5 नवंबर को लखनऊ में होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। आज लखनऊ में हुए कार्यक्रम में जब अखिलेश यादव से पार्टी के कार्यक्रम पर सवाल पूछे गए तो अखिलेश यादव सवाल टाल गए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की गैर मौजूदगी में आज पहली बार राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। चेन्नई में वित्त मंत्री ओ पनीर सेल्वम की अध्यक्षता में तमिलनाडु कैबिनेट की ये बैठक हुई। जयललिता भले ही यहां मौजूद नहीं थी लेकिन उनकी तस्वीर पनीर सेल्वम के सामने रखी गई थी। कहा जा रहा है कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री की तस्वीर रखकर कैबिनेट की बैठक हुई है। उधर चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर AIADM के समर्थक लगातार जयललिता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शायद पहली बार एक रेड के दौरान सुरक्षा बलों को आतंकियों के ठिकाने से चीन के झंडे मिले हैं। सेना के मुताबिक 17 अक्टूबर को बारामूला में 12 घंटों में 700 से ज्यादा घरों में तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसके तहत आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों को चीन के झंडों के अलावा पाकिस्तान के झंडे, लश्कर और जैश के लेटर हेड, अवैध फोन, पेट्रोल बम जैसी चीजें भी मिली हैं। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर रशीद भट्ट उर्फ जाकिर मूसा का नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें उसने कश्मीरी युवकों को आतंकी संगठन का हिस्सा बनने के लिए सुरक्षा बलों से हथियार छीनने पर जोर दिया है। वीडियो में ग्रेनेड के साथ खेलता दिख रहा जाकिर युवाओं को ये बताता है कि उनका स्वागत है और वे आतंकी रैंकों में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आजम खान का कहना है कि उनमें मोदी जैसे कई गुण हैं। आजम ने कहा कि उन्हें मोदी की तरह चाय बनाना आता है, वो सलीके से कपड़े पहनते हैं, ड्रम बजा सकते हैं और प्रधानमंत्री बनने के लिए फिट उम्मीदवार हैं। सहारनपुर में ई रिक्शा वितरण कार्यक्रम में आजम ने ये बात कही। आजम ने शुरुआती दिनों में मोदी के चाय वाले के तौर पर किए गए काम, उनके नाम लिखे सूट और जापान और तंजानिया में ड्रम बजाने वाले वाकियों को लेकर प्रधानमंत्री पर चुटकी ली। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल का विरोध करना शुरू कर दिया है। आज मुंबई के मेट्रो सिनेमाघर में MNS कार्यकर्ता घुस गए। MNS के कार्यकर्ताओं को आशंका थी कि इस थिएटर में फिल्म रिलीज होगी। पाकिस्तानी कलाकारों को फिल्म में शामिल किए जाने के खिलाफ MNS इस फिल्म का विरोध कर रही है। GST काउंसिल की दूसरे दिन की बैठक में भी GST रेट पर सहमति नहीं बन पाई। अब काउंसिल की अगली बैठक 3 और 4 नवंबर को होगी। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार की बैठक में GST रेट पर सहमति बन जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कल की बैठक में GST रेट के 4 स्लैब बनाने का प्रस्ताव मिला था। केंद्र सरकार ने अधिकतम GST रेट 26% रखने का सुझाव दिया। अगर आप ये समझते हैं कि सरकारी बैंकों में आपका पैसा सुरक्षित है तो आप गलत हैं। देश के बैंकिंग इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड का मामला सामने आया है। जहां देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को बड़ा चूना लगा है। SBI ने करीब 6.25 लाख ग्राहकों के ATM या डेबिट कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। खबर है कि इनमें से कुछ कार्डों का पहले क्लोन बनाया गया और बाद में क्लोन किए गए कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन खरीदारी, भुगतान और ATM से पैसे निकालने के लिए किया गया। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब SBI के ग्राहक ने इसकी शिकायत की। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में पटियाला हाउस कोर्ट कल भी सुनवाई करेगा। यहां CBI ने 28 अगस्त को इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया था। 655 पन्नों के आरोप पत्र में 151 गवाहों के नाम हैं। रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए भारतीय एयरटेल ने ग्राहकों को एक और ऑफर दिया है। एयरटेल 259 रुपए के रिचार्ज पर 10 GB का 4G या 3G डेटा देगी। हालांकि ये ऑफर नया 4G हैंडसेट खरीदने वाले ग्राहकों को ही मिलेगा।
बैंकों का 9000 करोड़ रुपए लेकर लंदन भाग चुके विजय माल्या के गोवा में किंगफिशर विला की आज नीलामी हुई। सूत्रों के मुताबिक किंगफिशर विला के लिए एक भी बोली नहीं आई। आपको बताएंगे एसबीआई कैप्स ने इस विला पर मई में कब्जा कर लिया था और कर्ज की रिकवरी के लिए इसे नीलाम किया जा रहा है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से सम अस्पताल में लगी आग के बाद आज हालात का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भुवनेश्वर पहुंचे। नड्डा के अस्पताल पहुंचने पर नाराज लोगों ने हंगामा किया और नारेबाजी की। अस्पताल के बाहर सैकड़ों लोग जमा थे। सोमवार शाम अस्पताल में आग लगी थी। अस्पताल में आग लगने से 19 लोगों की मौत हो गई थी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के एसयूएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सोमवार को आग के केस में बड़ी लापरवाही सामने आई। सूत्रों के मुताबिक अस्पताल की मान्यता 2 महीने पहले ही खत्म हो चुकी थी। अस्पताल के पास दमकल विभाग की एनओसी भी नहीं थी। पुलिस की शुरुआती जांच में यह खुलासा हुआ है। यूपी के मुरादाबाद के 2 गांवों में रहस्यमय बुखार कहर बरपा रहा है। रतनपुर कला और महलकपुर गांव में रहस्यमय बुखार अब तक 40 लोगों की जान ले चुका है। दोनों गांव में हर घर में किसी न किसी की मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इन दोनों गांवों में 15 लोगों की मौत की ही बात कह रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि गांव में बुखार से किसी की मौत नहीं हुई है। यूपी के बिजनौर में पेदा कांड के आरोपियों के मकानों पर लिखे मकान बिकाऊ है के इश्तिहार से पुलिस की नींद उड़ गई है। पेदा गांव में खौफ का माहौल है और गांव में 1.5 प्लाटून पीएसी तैनात कर दी गई है। 16 सितंबर को पेदा गांव में ट्रिपल मर्डर की वारदात हुई। हत्याकांड के 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन अब आरोपियों के परिवार की दूसरे समुदाय पर धमकी देने और उनके घरों पर पत्थर फेंकने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले से मानव अंग तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक सहरिया आदिवासी महिला की आंखें निकालकर उसकी बेदर्दी से हत्या कर दी गई। घटना पाली थाना क्षेत्र के डुंगरिया गांव की है, जहां 50 वर्षीय पिठोरिया बाई मंगलवार को रोजाना की तरह गांव के ही करीब अपनी बकरियों को चराने गई थी, लेकिन जब देर शाम तक वो नहीं लौटी तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। गाँव से थोड़ी ही दूर जंगल में पिठोरिया बाई का शव मिला। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का ऐतिहासिक छोटा इमामबाड़ा एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां इमामबाड़े के पास लगी 2 मूर्तियों पर बवाल मचाया, जहां मूर्तियों को हटाने की मुहिम शुरू हो गई है। दरअसल 1837 में अवध के नवाब ने इसे हुसैनाबाद इलाके में बनवाया था, जिस पर अंग्रेजों ने कब्जा करने के बाद आसमानी बिजली से बचने के लिए गेट के पास 2 महिलाओं की मूर्तियां बनवाई थी। लेकिन अब इन्हीं मूर्तियों को हटाने के लिए शिया वक्फ बोर्ड ने हुसैनाबाद ट्रस्ट को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली के चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू के दस्तक देने के बाद दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने जू का दौरा किया। गोपाल राय ने बताया कि बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद चिड़ियाघर को अगले 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल से निकाली गई महिला ने बस में ही बच्चे को जन्म दिया। महिला को मंगलवार को बुधनी से भोपाल रेफर किया गया था, लेकिन अस्पताल से महिला और उसके परिवार को अपमानित कर बाहर कर दिया गया था। गाजियाबाद के एसपी नेता दिशांत त्यागी के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। दरअसल मुरादनगर सीट से एसपी प्रत्याशी दिशांत त्यागी पर एक महिला टीचर ने रेप की कोशिश और परिवार को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। यह महिला बोटा के सेंट फोर्ट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में टीचर है। टाटा मोटर्स की कारें महंगी हो गई हैं। कंपनी ने सभी कारों के दामों में 12,000 रुपए तक का इजाफा किया है। कंपनी ने लागत बढ़ने की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी की है। टाटा की सबसे सस्ती कार नैनो जहां 6,000 रुपए महंगी हुई है, वहीं टिएगो और एरिया 12,000 रुपए महंगी हुई है। बीएमडब्ल्यू ने भारत में नई 3 सीरीज ग्रैंड टूरिज्मो लॉन्च कर दी है। इस कार की एक्स शोरूम कीमत 43,30,000 से 47,50,000 रुपए के बीच है। ओबामा के आखिरी स्टेट डिनर में इटली के प्रधानमंत्री मातेओ रेंजी उनके मेहमान बने। ओबामा ने अपने इस फाइनल स्टेट डिनर में इटालियन पीएम और उनकी पत्नी का गर्मजोशी से स्वागत किया।
सऊदी अरब में मंगलवार को शाही परिवार के सदस्य को हत्या के आरोप में मौत की सजा दी गई। प्रिंस तुर्की बिन सऊद अल कबीर को एक शख्स के मर्डर केस में यहां की कोर्ट ने करीब 2 साल पहले दोषी पाया था। करीब 40 साल बाद ये पहला मामला है जिसमें हाउस ऑफ सऊद के किसी मेंबर को मौत की सजा दी गई है।